ये देखो ना ठीक है। ये बात तो आज हम लोगों का एक शॉट था कि हम लोग पठान मूवी का जो ट्रेलर है उसके तरीके से हम मतलब उसके जैसे ही शूट कर रहे थे, तो हमारा साथ बहुत ही लोग ऐसा आतंकवादी जैसे दिख रहे हैं। तो ये हमारा नया पार्टनर है और ये मेरा कैमरामैन है जो आज आतंकवादी का रोल निभा रहा है। तो ये इसको तो देखे होंगे, ये पूरा काला टिक्का मार के पूरा आतंकवादी जैसे दिखेगा। तो हम लोगों का शूट होने के बाद हम पहले शायद इसको रिलीज कर देंगे ताकि आप मेरा ट्रेलर के लिए वेट करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट शूट के मतलब प्लेस में, वहाँ पे कैसे शूट होता है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेकअप ले रहे हैं थोड़ा मुश्किल था क्योंकि थोड़ा काला वगैरह लगाना पड़ता था आँखों में, वो जलता था थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा तकलीफ होता था। और बच्चे लोगों के साथ हम एंजॉय कर कर के ये सारा चीज़ किए और आप देख पा रहे होंगे बच्चे लोग मेरा मेकअप कर दे रहे। तो मैं अभी भी मेरा गेटअप देखिए कि मेरा कुछ बाल वगैरह जंगली लुक जैसा है क्योंकि अभी कुछ दूसरा सीन हम शूट कर रहे हैं। आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और बेल आइकन लगा के रखिए ताकि आपको जो दूसरा हम वीडियो डालेंगे वो देख पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे भी ये जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे भी हम ब्लॉग डालेंगे बिहाइंड द स्क्रीन। तो ये मेकअप रूम में आप मेकअप रूम नहीं है, बाहर में हम कहीं पर भी मेकअप ले रहे हैं। तो वो भी चीज़ थोड़ा बाहर में जिस मतलब हम लोग क्या है कि लोगों को देख के थोड़ा शर्म आता है, तो फिर हम नया नया है तो वो थोड़ा हम एडजस्ट करके सारे चीज़ करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे भी क्या क्या मज़ेदार चीज़ है वो भी देखते हैं। तो आप देख रहे हैं आग लगाने का सीन कितना मुश्किल था। तो बच्चे लोग बीच हमारा काम था कि यहाँ पे धुआं निकलने के लिए, क्योंकि धुआं से हम जैसे कि पठान का जो कैरेक्टर था धुएं से निकल के बाहर आना, तो हम वो चीज़ बनाने के लिए छत के ऊपर पूरा आग लगाए थे। तो बीच बीच में वो क्या होता है कि आग जल जाता है क्योंकि हमारे पास धुएं का मशीन कुछ नहीं था, तो आग से हम धुआं बना रहे थे। तो जो नाड़ा वगैरह है उसको हम जला के ये सब खेत से ला के ये सब छत के ऊपर जलाए थे। थोड़ा जलाने के बाद पूरा काला हो गया, वो भी साफ करना पड़ा ये सब। और देखेंगे हम लोग कुछ रात में एक आग लगाने का शूट किए थे जिसमें क्या है कि हम एक बड़ा सा पेड़ को लेके आग लगाए, तो थोड़ा तकलीफ था वो भी। इतना सारा तकलीफ को झेल के हम कुछ आउटपुट निकाले, तीन मिनट चार मिनट का आउटपुट निकाले। तो देखिए मज़ा कीजिए, तो बिहाइंड स्क्रीन मज़ा आ रहा है, हमको भी बहुत ही मज़ा आता है। मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं दूसरा काम करते करते ये चीज़ भी यूट्यूब को करता हूँ। मेरा पास कैमरा नहीं है तो मेरा क्वालिटी कैमरा का थोड़ा कम होगा, मगर मैं ज़्यादातर एडिटिंग पे ध्यान देता हूँ ताकि कहाँ पे अच्छे से साउंड दे सकेंगे, तो वो सब चीज़ ध्यान दे के हम बनाए हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं बच्चों के साथ हम लोग कैसे बिहेव के मतलब बच्चे को हैंडल करना मतलब बहुत ही मुश्किल रहता है। मेरे को इंडिया अच्छा नहीं लगता। तू जानता है ऐसा ऐसा आगे आगे बच्चू आगे बच्चू। एक एक सीन में आप देख रहे हैं बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं, अपने आप गिर जा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। उनको बहुत ही डायरेक्शन देना पड़ता है, उनको बहुत ही डायरेक्शन देना पड़ता है कि यहाँ पे आओ उधर आओ। तो वो थोड़ा मानते नहीं हो तो उनको कुछ लालच भी देना पड़ता है, चॉकलेट वगैरह। तो इस तरह के ऐसे ऐसे करके हम बच्चों के साथ भी शूट किए हैं। तो ये बच्चों के साथ सच में बहुत ही मुश्किल होता है मगर मज़ा बहुत आता है।
अब देख रहे हैं, जब ग्रीन स्क्रीन हम लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे कुछ मिस्टेक था, जिसके वजह से मैं कुछ वीडियो में, मतलब हम लोग शूट कर दिए थे, एडिटिंग के टाइम में थोड़ा दिक्कत आया, कुछ चीज़ को हमको काटना पड़ा, क्रॉप करना पड़ा, तो नहीं तो और भी अच्छा बनता। तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन, जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिए थे वो वाला, और जहाँ बैठे हैं वो भी ग्रीन हो गया था। तो ये चीज़ हम ध्यान में नहीं रखे थे। आप जब बनाएंगे वीडियो कुछ चीज़, जैसे कि आपको क्या चाहिए आउटपुट, उसके हिसाब से ग्रीन स्क्रीन आप यूज कर रहे हैं, तो आपको सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब बाहर का और कोई भी चीज़ ग्रीन नहीं रहेगा, ओनली जहाँ पे आप स्क्रीन यूज करेंगे उतना ही आपको ग्रीन चाहिए। तो उस तरह का मिस्टेक हमारा हुआ था, तो उसके लिए हमको बाद में शूट नहीं कर पाए, क्योंकि सबको बुला के फिर से वही सेटअप लगा के शूट करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो हम लोग उसी को मैं एडजस्ट किया हूँ वीडियो एडिटिंग में, तो वो भी मुश्किल घड़ी था। तो हमारा ये जो स्टोरी लाइन हम बनाए थे, इसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर को हम थोड़ा ऊपर उठाए हैं, क्योंकि ये हम लोग क्या है कि हमारा सोच ऐसा है कि मुसलमान है तो ये आतंकवादी है, तो हम इस तरह के नहीं, हम एक मुसलमान भी देशभक्त हो सकता है, वैसे हम स्टोरी को, स्टोरी लाइन को लिए। छोटा सा क्लिप है मगर स्टोरी को आप देखेंगे ध्यान से तो एक मुसलमान कैसे देश के लिए वफादार है वो हम बताएं ये क्लिप में, तो वो चीज़ शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट दीजिए कि हम ये फोकस किए हैं कि मुस्लिम कितना अच्छा रहते हैं देश के लिए। तो आगे मैं एक्चुअली हिंदू हूँ, मैं ट्राई किया था मुस्लिम का गेटअप लेके ये सारा करने के लिए, तो कोशिश किया हूँ, तो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा, तो कैसे, मतलब मेरा गेटअप कैसा था कमेंट जरूर दीजिए। तो आगे आप चलिए देखते हैं, आगे भी बहुत ही सारा एक्शन का हम शूट किए थे, जैसे बम लेके जाना, उसको फोड़ना, ये एक सीन था जिसमें हम थोड़ा कुछ क्रिएटिव सोचे थे, एक बम पकड़ेगा वो और उसको लेके फोड़ेगा, तो हम कुछ वीडियो मूवी से भी क्लिप किए थे, डॉन मूवी का जो है वीडियो जो ब्लास्टिंग हुआ था वो क्लिप हम यूज किए हैं, ताकि थोड़ा और ही अच्छा लगे। तो आप देख पा रहे हुए, तो इस सीन में हम लोग बहुत ही मजा लगा था कि सबको लगा था कुछ ऐसे शूट हो रहा है, तो एक पुराना खंडर जैसा फांडी था, मतलब यहाँ पे थाना बोलते हैं ना, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे हम ये वाला सीन शूट किए थे, अच्छा लगा सबको और एंजॉय भी बहुत किए हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट दे के बताइए, क्योंकि छोटा सा स्टोरी भी है इसमें, वो भी आप बताइए आपको ये स्टोरी लाइन कैसे लगा पठान ट्रेलर का, और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट दीजिए, ताकि हम इसका फुल क्लिप भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार रहेगा तो हम इसका फुल क्लिप बनाएंगे। तो उसके बाद हम सोचे हैं, अभी क्या है कि दूसरा कुछ वीडियो बना रहे हैं, आप मेरा गेटअप देख रहे हैं पूरा जंगली जैसा लुक है, दाढ़ी वगैरह बनाया हूँ, तो उसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऐसा बनाया हूँ। आप जरूर मेरा चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, भूलिए मत, क्योंकि आगे जाके आप, हम लोग अच्छा अच्छा वीडियो लाने वाले हैं, इस तरह का मूवी का ट्रेलर जैसा, और कुछ ब्लॉग भी बनाएंगे, और कुछ जगह पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, ये सारा चीज़ हम रखेंगे, मतलब कुछ मिक्सअप रखे हैं, मगर दो तीन टाइप का मिक्सअप रखे हैं। तो आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा, मतलब किस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट दीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा ज़्यादा उसी के ऊपर काम करेंगे, और बच्चे लोगों को तो मना के भी काम करना पड़ता है, तो एक एक वीडियो शूट करने में महीना लग जाता है, क्योंकि कभी वो बच्चा नहीं है, उसको मनाओ, उसका पापा मम्मी को भी मनाओ कि वो शूट करने के लिए, तो वो मुश्किल होता है मेरे को। तो मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, आपका प्यार रहेगा तो हम लोग और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया ट्रेलर के साथ और नया कुछ ब्लॉग के साथ, आपके साथ मिलेंगे और फिर मस्ती करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।